और प्रीवियस वीडियोस में हमने अपना यूनिकोड और डेटा टाइप देखा था क्या होते हैं जावा में। अगर आपको और भी टॉपिक देखने हैं कि जावा की हिस्ट्री क्या है और जावा क्या कैसे स्टार्ट हुई वगैरह देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और वो देखने के लिए या तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए या मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें देख लेना। ओके, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावा में। ठीक है, तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर मतलब जब कोई भी वैल्यूज के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो और जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसको बोलते हैं ऑपरेटर। सिंपली ये जो दो वैल्यूज हैं एक्स, इनकी कुछ वैल्यू होगी और वाई की अपनी कुछ वैल्यू होगी। इन दोनों को अगर मुझे इन दोनों का मुझे सम चाहिए तो उसके लिए मुझे कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, है ना। अगर मुझे एक्स एंड वाई का डिवाइड करना है तो मुझे डिवाइड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब क्या है, ऑपरेटर्स हैं जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मैथ में हमारे लिए, जो ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें रिजल्ट देते हैं वो ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, और जो वैल्यूज होती हैं उनको हम ऑपरेंड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर का मतलब क्या होगा, जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे। ठीक है, उसका सिंबल क्या है, इसका सम करने के लिए सिंबल हमने प्लस ये साइन दे दिया है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि जावा में कितने टाइप के ऑपरेटर हैं, यूनरी, अरिथमेटिक, रिलेशनल, बिटवाइज, लॉजिकल, टर्नरी, असाइनमेंट, ये कितने टाइप के हो गए, 8 टाइप्स के ऑपरेटर हो गए जावा में। ये हम एक एक से आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर मतलब क्या हो गया, जब कोई एक ही ऑपरेंड पे कोई एक ही ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, जब कोई एक ही ऑपरेंड हो और प्लस प्लस या माइनस माइनस, इसका मतलब क्या हो गया, प्लस प्लस और माइनस माइनस का मतलब हो गया कि जो ऑपरेंड है उसमें या तो प्लस वन होगा या माइनस वन होगा। ठीक है, प्लस वन करना है या माइनस वन करना है, दो ही चीजें होंगी जब यूनरी ऑपरेटर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। तो यूनरी दो तरीके के होगा, पोस्ट और प्री। पोस्ट फिक्स में क्या होगा कि जो वैल्यू होगी उसके बाद प्लस प्लस लगा होगा, प्री फिक्स में क्या होगा, पहले लगा होगा। ठीक है, अब ये पहले लगना बाद में लगना इसका क्या सेंस है ये भी देखते हैं। पोस्ट फिक्स का मतलब हो गया कि पहले हम जो वैल्यू है, लाइक एक्स की वैल्यू मैंने 11 दे दी। ठीक, सपोज एक्स की वैल्यू 10 है, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसकी एक्स जो कि एक्स है उसकी वैल्यू है 11। ठीक, तो पोस्ट फिक्स करेंगे उस वैल्यू को, एक्स प्लस प्लस कर देंगे तो क्या होगा, सबसे पहले मैं उस एक्स की वैल्यू यूज करूंगी। यूज करूंगी का मतलब उस वैल्यू को सबसे पहले मैं प्रिंट करा लूंगी कंसोल पे, तो मुझे प्रिंट होकर क्या दिखेगा, 11। देन उसकी वैल्यू प्लस प्लस होगी, प्लस प्लस मतलब प्लस वन हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रीफिक्स क्या मतलब क्या हो गया, कि मान लो फिर से सेम वही एक्स की वैल्यू 11 है, मैंने अपना ऑपरेंड उसमें यूनरी ऑपरेटर लगाया प्लस प्लस एक्स। ठीक है, अब इसमें पहले प्लस प्लस लगा है तो क्या होगा, मेरी जो वैल्यू है सबसे पहले वो इंक्रीज होगी, मतलब एक्स से 12 होगी, 11 से 12 होगी वो, देन उसको हम जो 12 है देन वो यूज होगी, मतलब वो कंसोल पे प्रिंट होगी। तो ऊपर वाले एग्जांपल में जहाँ पे मेरे एक्स एक्स प्लस प्लस था उसमें मेरे कंसोल पे प्रिंट हुआ 11। ठीक है, जो कि गिवन था एक्स इक्वल टू 11, देन वो इंक्रीज होके 12 हुई। बट नेक्स्ट प्रीफिक्स में क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू पहले 12 हुई तब मेरी कंसोल पे 12 प्रिंट हुआ। तो पहले का प्रिंट क्या हुआ, 11, नेक्स्ट का क्या प्रिंट हुआ, 12। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, सपोज ये मेरा एक एग्जांपल है जिसमें मैंने क्लास बनाई है ऑपरेटर एग्जांपल, मेन मेथड है ये, इंट एक्स इक्वल टू 10 एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे चार स्टेटमेंट है,
जिनमें मैं x की वैल्यू प्लस प्लस, x माइनस माइनस, ये पोस्टफिक्स और ये प्रीफिक्स का एग्जांपल है, ठीक है। अब सबसे पहले मेरी जो x की वैल्यू है वो क्या है, 10 है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या आया, x प्लस प्लस, मतलब x के बाद प्लस प्लस है, तो पहले मुझे x को यूज करना है, फिर उसको इंक्रीज करना है। मतलब x को यूज किया मतलब पहले मैंने 10 प्रिंट करा लिया, फिर वो इंक्रीज होके 11 हो गया, ठीक। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, x माइनस माइनस, मतलब पहले मुझे x की जो वैल्यू मेरी बढ़कर 11 हो गई थी उसको मुझे पहले यूज करना है, मतलब पहले मैंने x की वैल्यू जो पहले ऊपर 11 हो गई थी उसको यूज कर लिया, 11 प्रिंट करा दिया, फिर उसको डिक्रीज करके 11 कर लिया, 10 कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिर से 10 हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, पोस्ट फिक्स के एग्जाम्पल, मतलब x के बाद प्लस प्लस लिखा है, मतलब पहले x को यूज करना है देन इंक्रीज करना है, पहले x को यूज करना है देन उसको डिक्रीज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले प्लस प्लस लिखा है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन प्लस प्लस x, तो मतलब क्या हो गया कि पहले मुझे ये जो x है उसको प्लस 1 करना है, मतलब यहाँ पे मेरी वैल्यू 10 थी, डिक्रीज होके 10 हो गई थी, पहले मुझे x ने प्लस 1 करना है देन उनको प्रिंट करना है। तो x ने प्लस 1 किया, 11 हो गया, देन x को मैंने प्रिंट करा दिया कंसोल पे 11, ठीक है। सेम इसमें भी होगा कि मेरी जो वैल्यू 11 हो गई थी, पहले मुझे उसको 11 से 10 करना है, माइनस 1 करना है, देन उसको प्रिंट कराना है, सिंपल। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। सिंपली क्या होता है, अगर वैल्यू के बाद ऑपरेटर लगा है यूनरी प्लस प्लस, तो पहले उस वैल्यू को यूज करना है, देन उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है। अगर वैल्यू से पहले लगा है ऑपरेटर प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उसको पहले इंक्रीज या डिक्रीज करना है, देन उसको यूज करना है, सिंपल। ये आपको देख के ही समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने एक सिंपल पहचानने के लिए बता दिया कि वैल्यू के आगे प्लस प्लस लगा है या पीछे लगा है, इससे पहचान है कि अगर आगे लगा है तो उस वैल्यू को पहले मुझे इंक्रीज करना है, अगर प्लस प्लस आगे लगा है तो इंक्रीज करना है, फिर वैल्यू को यूज करना है, अगर बाद में लगा है तो वैल्यू को यूज करना है देन इंक्रीज करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होगा, लाइक जो हम बचपन से अपने मैथ में ऑपरेशन करते आ रहे हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। इनको सिंपल से देख लेते हैं तुरंत, इंट ए इक्वल टू 10 है, इंट बी इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब मैंने ए प्लस बी किया तो 15 हो गया, ए माइनस बी किया तो 5 हो गया, ए मल्टीप्लाई बाय बी किया तो 50 हो गया, और ए डिवाइडेड बाय बी किया तो 10 हो गया, मतलब ए 5 टू से 10, मतलब 2 टाइम्स कट रहा है, तो उसको बोल दिया मैंने ए डिवाइडेड बाय बी, मतलब 2 हो गया। अब ए ये जो परसेंटेज का साइन है, जो मैथ में इसको परसेंटेज बोलते हैं, जावा में इसको परसेंटेज नहीं, इसको बोलते हैं मॉड्यूलो, ठीक है। मॉड्यूलो इसलिए यूज होता है जब हमें हमें रिमाइंडर चाहिए होता है दो वेरिएबल्स का, उसको बोलते हैं मॉड्यूलो, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 टू से 10, मतलब ये पूरी तरह कट गया, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, रिमाइंडर क्या है, 0, कोई रिमाइंडर नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे मॉड्यूलो। ये किसके लिए होता है, रिमाइंडर चेक करने के लिए कि इनका रिमाइंडर क्या है, वो चाहिए होगा तो मॉड्यूलो का यूज करेंगे, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब ये हमारे ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताएगा कि क्या होता है, ठीक है। ये दो टाइप के है, कंपैरिजन और इक्वालिटी। कंपैरिजन मतलब ये देखेगा कि ये जो दो वैल्यू हैं वो लेस देन है, ये लेस देन है एक से, या ग्रेटर देन है, या लेस देन और इक्वल टू है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और या फिर इक्वलिटी देखेगा कि इक्वल है क्या दोनों वैल्यूज, या नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल नहीं है, ठीक है। इसके फटाफट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे दो वैल्यूज फिर से हैं, इंट ए जिसकी वैल्यू है 5, इंट बी जिसकी वैल्यू है 10, ठीक है। ग्रेटर देन ऑपरेटर में क्या होगा, क्या इसमें चेक होगा कि इफ ए ग्रेटर देन बी है क्या, मतलब इफ क्या होता है, इफ एल्स एक ऐसा क्लॉज होता है जो कि चेक करता है अगर मेरी ये वाली वैल्यू
इफ मेरी ये वाली वैल्यू सही हुई तो मेरा ये वाला लूप, ये वाला क्लॉज चल जाएगा, ठीक है, ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, ये जो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू सही नहीं हुई, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, तो मेरा एल्स ब्लॉक चलेगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि जैसे हम रियल लाइफ में भी बोलते हैं कि ये नहीं तो ये करो, मतलब हो गया कि ये नहीं, मतलब इफ नहीं तो एल्स वाला चल जाएगा, ठीक। सिंपल में समझना है कि इफ का क्लॉज, ये इफ के अंदर ए अगर ग्रेटर देन बी नहीं है, जो कि नहीं है, इफ ए क्या है 5 है, बी और 10 है, तो मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, तो ये ए इज ग्रेटर देन बी नहीं है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट क्या होगा, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, एल्स ब्लॉक चलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब पूछ रहा है कि क्या ए ग्रेटर है और इक्वल टू है, मतलब क्या ए की वैल्यू जो है वो ए के, ए से बड़ी या बराबर है क्या बी के, नहीं, ए तो सिंपल छोटी है बी से, तो इसमें भी मेरा एल्स ब्लॉक चलेगा, जिसमें क्या लिखेंगे हम, ए इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर, ये क्या कहेगा कि क्या ए की वैल्यू बी के इक्वल है। सपोज अगर ए की वैल्यू 5 है और बी की भी 5 होती, तो यहाँ पे मेरा प्रिंट होता ए इज इक्वल टू बी, बट यहाँ पे क्या है, ए की 5 और बी की 10, तो यहाँ पे भी एल्स ब्लॉक चलेगा, ये कहेगा कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, मतलब ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है इसको नॉट बोलते हैं, ठीक है, और इक्वल को तो इक्वल बोलते ही हैं, तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इफ ए नॉट इक्वल टू बी है क्या, तो इसमें ये क्या है, हाँ ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ए की वैल्यू जो है और बी की वैल्यू है वो डिफरेंट है, ठीक है, इसमें क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा रिलेशनल ऑपरेटर, हमने ये समझ लिया कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज इंक्लूसिव और, ये क्या है, ये थोड़े से आपको तब समझ में आ पाएंगे जब आपको थोड़ी बहुत कोडिंग अच्छे से आती है। इनका यूज नॉर्मल में अपन नहीं करेंगे, इनका यूज अपन बाद में करेंगे अच्छे से जब हम थोड़ा सा कोडिंग सीख गए होंगे, ठीक है, इनको हम फर्दर देखेंगे। अभी देखते हैं कि लॉजिकल, टर्नरी और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, ठीक है। लॉजिकल दो तरीके के होते हैं, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ठीक है। लॉजिकल एंड मतलब इसमें डबल एंड लिखा होगा, एंड का जो साइन होता है वो वाला, दो साइन होंगे और में ये दो पाइप होंगे, इसको बोलेंगे अपन लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी में क्या है, एक स्टेटमेंट होती है एक ही लाइन में, उसको उसमें इफ एल्स एक ही लाइन में लिख देते हैं अपन, और असाइनमेंट ये भी देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या हो गए, एंड एंड मतलब लॉजिकल एंड, मतलब इसमें क्या होता है, अपने पास दो दो कंडीशंस होती हैं। इसमें क्या है, क्या 5 लेस देन 2 है और 5 ग्रेटर देन 3 है, मतलब इसमें अगर ये वाली वैल्यू, ये 5 ग्रेटर देन 3 एंड 5 लेस देन 2, अगर ये दोनों सही हुए तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, अगर एक सही और दूसरा गलत है तो ये फॉल्स ट्रू, फॉल्स देखेगा रिजल्ट, मतलब इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है हमारे पास, कि अगर मेरी जो वैल्यू है, मेरे पास दो वैल्यू है, 5 लेस देन 2, अगर मान लो यहाँ पे 1 होता, 5 की जगह 1 होता, 1 लेस देन 2 एंड 5 ग्रेटर देन 3, मतलब ये दोनों दोनों कंडीशन सही है, तो मेरे यहाँ पे ट्रू प्रिंट होता। अब यहाँ पे एक्चुअल में है क्या कि ये वाली कंडीशन गलत है और ये वाली सही है, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। तो एंड एंड ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया कि जो दोनों कंडीशन है दोनों ट्रू होनी चाहिए, ये नहीं कि एक ट्रू है एक फॉल्स है, अगर दोनों ट्रू होंगी तो ही ये ट्रू प्रिंट करेगा, अगर एक ट्रू और दूसरी फॉल्स है तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा, ठीक है। अब ये और ऑपरेटर, और ऑपरेटर में क्या है, क्या साइन होता है और ऑपरेटर का, इसमें दो पाइप्स होते हैं, ये दो लाइन लाइन जैसी बनी रहती है वर्टिकल में, इनको बोलते हैं अपन और ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल और। इसमें क्या होता है कि 5 लेस देन 2 है, क्या ये कंडीशन सही है, नहीं। क्या 5 ग्रेटर देन 3 है, हाँ। तो इसमें क्या है, ये वाली कंडीशन एक सही है और एक गलत है,
तो जो इसमें जो एक सही है तो उसके लिए ये ट्रू प्रिंट कर देगा। मतलब ये एंड एंड का थोड़ा सा अपोजिट है लाइक, कि इसमें कोई एक वैल्यू अगर ट्रू है तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा, अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा, अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, और कोई एक ही ट्रू है तो भी ट्रू। ठीक है, मतलब कि लाइक दो कंडीशन हो गई कि अगर मेरा फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पे गलत है, सेकंड वाली सही है, तो सेकंड वाली को अपने डोमिनेट करेगी कि हाँ सेकंड वाली सही है, मतलब ट्रू प्रिंट कर दूँ। और अगर दोनों ही गलत होती, लाइक यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा होता, 2 greater than 3 और 5 less than 2, दोनों ही गलत है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होता? फॉल्स, क्योंकि दोनों फॉल्स हैं। अगर एक एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ट्रू प्रिंट करेगा। ठीक है, अब नॉट ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया? क्या नॉट 5, मतलब ये नॉट देखेगा, नॉट मतलब 5 less than 2 है क्या? नहीं, 5 less than 2 नहीं है क्या? 5 less than 2 नहीं है, ये देख रहा है, मतलब इसका सिंपल, जैसे यहाँ पे 5 less than 2 ये सिंपल था कि इसमें मुझे ये कंडीशन जो है वो गलत है, इसमें ये पूछ रहा है क्या ये गलत है? हाँ गलत है, तो ट्रू प्रिंट होगा, है ना। नॉट का मतलब होता है कि अपोजिट है, नॉट 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 है ये, ठीक है। इसका पूछ तो ये दो, ये तीन ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर वाला भी हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि था हमारा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, मेरे पास एक कंडीशन दी होगी, ठीक है, जो कि एक वेरिएबल में स्टोर होगी, एक कंडीशन होगी, एक ही लाइन में कंडीशन होगी, जो कि एक कंडीशन होगी, अगर मेरी ये जो कंडीशन है ट्रू हुई तो मेरा पहला वाला एक्सप्रेशन चलेगा, अगर ये फॉल्स हुई तो मेरा नेक्स्ट एक्सप्रेशन 2 चलेगा। इसको और अच्छे समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे एक क्लास है जावा एग्जाम्पल करके, जिसमें मैंने क्या है एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू क्या है, इंट एज है, क्योंकि 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, जिस स्ट्रिंग का नाम है, वेरिएबल का नाम है रिजल्ट। ठीक, ये मेरी जो रिजल्ट है उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी एक कंडीशन है कि एज अगर 18 से ज्यादा हुई, मतलब जो एज मैंने मैं जो भी एज होगी वो अगर 18 से ज्यादा होगी तो मेरी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मेरी ये वाली लाइन चलेगी, यस यू कैन वोट। अगर मेरी ये कंडीशन गलत हुई तो मेरी कंडीशन चलेगी ये, नो यू कांट वोट। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो कंडीशन दी होगी, इफ इफ अगर ये वाली कंडीशन सही हुई, जैसे हम लोग इफ ब्लॉक लिखते हैं अपना, इफ ये कंडीशन सही हुई, अगर एज 18 से अबव है आपकी तो यस यू कैन वोट। ठीक है, अगर आपकी एज 18 से कम है तो यू कांट वोट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेरी एज क्या है, एज है 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10। क्या 10 18 से बड़ा है? नहीं है, तो यहाँ पे मेरा क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में रिजल्ट में, नो यू कांट वोट। ठीक है, मतलब जो हम इफ ब्लॉक में लिखते हैं, इफ फिर मैंने इफ ब्लॉक में अंदर लिख दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन और रिजल्ट, एल्स नहीं तो यू कांट वोट, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन के अंदर लिख दिया, वैसे ही ये एक लाइन में मैंने टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू मैंने अपना इफ और एल्स ब्लॉक को एक टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू आसानी से एक ही लाइन में लिख दिया है, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए होता है, वैल्यू असाइन करने के लिए। ठीक है, वैल्यू असाइन मतलब लाइक इक्वल टू ऑपरेटर है, इक्वल टू ऑपरेटर किस लिए होता है, वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए। लाइक हमने अभी यहाँ पे अपना एग्जाम्पल लिया था, इंट एज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे जो इक्वल टू ऑपरेटर क्या है, एज वेरिएबल में 10 की वैल्यू असाइन कर रहा है, मतलब एज जो वेरिएबल है मेमोरी में उस एज वेरिएबल का में 10 की वैल्यू डाल रहा है, सिंपल। ठीक है, और प्लस इक्वल टू क्या करता है, ये अपन जैसे एक्स की वैल्यू मान लो अपन ने 5 दी, ठीक है, अब मुझे उसमें 5 और ऐड करना है तो मैं क्या करूँगी, एक्स प्लस 5 करूंगी, है ना, बट जरूरी नहीं है कि एक्स प्लस 5 करें, उसकी जगह हम अपन प्लस इक्वल टू भी कर सकते हैं, मतलब
नंबर जो मेरी नम की वैल्यू मान लो यहाँ पे 5 थी, तो ये भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस सेम ऐसा ही है, मल्टीप्लाई इक्वल टू मतलब सेम वही जो यहाँ पे है, डिवाइड इक्वल टू 5 मॉड्यूलो इक्वल टू 5, सेम जो मैंने इसमें समझाया कि जो हम ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं उसको सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गए अपने, कौन से ऑपरेटर हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू, डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल।